मिर्ज़ापुर की ग्रैंड सक्सेस के बाद अपनी सक्सेस का सेलिब्रेशन कुछ इस तरह करने निकल आई है डिम्पी यानी कि हर्षिता गौर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मतलब दूसरा सीजन भी बम्पर, वेल तो ऑडियंस ने बना दिया है तो अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। ये सेलिब्रेशन आज यहाँ सैनको पे आके ख़त्म होने वाला है? हाँ, मतलब ये अभी वैसे भी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, दिवाली है, धनतेरस है, बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसे में लोग आते हैं ज्वेलरी वोलरी खरीदने, तो मैं तो देखने आई हूँ अभी, क्योंकि फिर मम्मी को कॉल करूँगी और बोलूँगी कि मम्मी ये पसंद आ रहा है। तो आज कुछ ना कुछ लेके जाने वाली है यहाँ से। कोशिश तो है पूरी। तो चलिए चलते हैं और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर की बातें भी करेंगे, कैसा रहा सीज़न फर्स्ट सेकंड दोनों की बात करेंगे आज। यस ये सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और काफ़ी, एक्चुअली इतना तो मैंने नहीं देखा अभी तक किसी शॉप में, बट दिस इज़ वेरी गुड। फिर ऐसा होता है ना तो आपको मन भी करता है कि आप चलो चले जाओ बाहर। तो सारी ही चीज़ें अनलॉक हो गई है, कहाँ कहाँ विजिट कुछ। सेफ्टी तो फिर भी ज़रूरी है, मतलब अनलॉक हो गई हैं बट कोरोना गया नहीं है ना, अभी तो यही है। इसकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन हैं, तीन बार टेम्परेचर चेक, फिर वो सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क। वाओ, आई लव ज्वेलरी। ज्वेलरी पसंद है मतलब पर पता है बड़ी अजीब सी बात है, मुझे ना देखने में बहुत पसंद है लेकिन जब पहनने में आता तो मैं एक सिंपल सा आई वुड वॉन्ट टू वेयर। को कभी ज़्यादा गहनों में नहीं देखा है कहेंगे। मेरठ में मेरी दादी मेरठ की है तो हमारा यही होता था कि जब हम वहाँ छुट्टियों के लिए जाते थे तो दादी बोलती थी चलो अब वहाँ सराफा बाज़ार काफ़ी फेमस है ज्वेलरी के लिए, तो वहाँ पर जाते थे, तो मुझे एकदम थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया। अच्छा, फेवरेट एक्सेसरी की बात करें तो क्या सबसे अच्छा ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आई थिंक इयररिंग्स। या आई थिंक आई लाइक इयररिंग्स अ लॉट, क्योंकि वो जनरली भी आप रोज़ में इयररिंग ज़्यादा पहनते हो ना सूट वूट के साथ, तो इसलिए तो आज वो सबसे ज़्यादा ट्राई होने वाले। हाँ, अभी मन तो कर रहा है बहुत कुछ ट्राई करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या खरीदना है, किस किस के लिए खरीदना है? किसके लिए? नमस्कार, थैंक यू। मुझे अपने लिए अगर खरीदना हो तो थोड़ा मेरे स्टाइल का, जैसे वो दिखाइए वो, ये यू नो आई लाइक सच स्टफ, सो प्रिटी। This is diamond necklace. Wow. Try कीजिए मैम। Okay. ये तो try. यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने seat में भी देखो। एक do not बीच में gap रखा हुआ है। That is for the social distancing. जी। That is also important. And everybody is like covered with proper. उनके साथ नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे देखने में समझ नहीं आता मास्क लगा के कि कैसा लग रहा है, बस तो मैं ही नाइस, सो नाइस, सिंपल चीज़ें कितने चीज़ों पर चली जाती हैं। लॉकडाउन पहले तो बताओ कैसा गया? लॉकडाउन मेरा तो काफ़ी अच्छा गया यार, मतलब काफ़ी पीसफुल घर पे मैंने, मुझे खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन मैंने फिर भी खुद को बचाने लायक खाना बनाना सीख लिया कि अगर कुछ नहीं हो तो कैसे बनाना है, बट अपेरेंटली अच्छा बनता था। फिर फ्लूट सीखना स्टार्ट किया है मैंने, तो हाँ मेरा तो गुड अच्छा फ्रूटफुल रहा। हाँ, लॉकडाउन के टाइम कुछ छूट किया या? हाँ, अभी तो लॉकडाउन चल ही रहा है तो मैंने अभी दो एड्स के लिए शूट किया, फिर डबिंग भी की थी मिर्ज़ापुर की लॉकडाउन में, तो कुछ कुछ किया, पर हाँ अगेन सेफ्टी तब बहुत ज़्यादा था, तब तो मतलब ऐसा डर था, वही मैं मुझे पूछना था कि कितना डर था। बोला है कि डबिंग के लिए बाहर आना है तो डर था, बट फिर ऑब्वियसली प्रोडक्शन ने, एक्सेल ने काफ़ी सब कुछ सेफली, बहुत गाड़ी पिक करने आई थी तो सेफ्टी, वो सब का ध्यान काफ़ी रखा, तो
एंजॉय किया वहाँ पर। हाँ, और शूट भी जो दो एड शूट किए उसमें भी सब कुछ सब बहुत अच्छे से सेफली सब कुछ किया। अच्छा, और कहा जैसे कि खाना बनाना भी सीखा, तो क्या क्या बनाया, क्या क्या किचन में हाथ आजमाया? कुछ यूजुअल नहीं, हाँ, जैसे रागी डोसा और ग्लूटेन फ्री पास्ता, ऐसी चीज़ें बनाई मैंने, वो दाल रोटी सब्जी नहीं बनाई। किस किसने खाई फिर वो, किस किस को खिलाई गई? नहीं, मेरे आंटी अंकल ने भी खाई थी, जो मेरे नेबर्स हैं, दे लाइक सेकंड पेरेंट्स टू मी, उनको भी अच्छा लगा, तो मैं खुश हूँ। चलो, मैं नहीं खुश हूँ, मेरी मम्मी खुश है कि चलो कभी ज़रूरत पड़ी तो बना लेगी टाइप ऐसा। तो ये एक और नेक पीस, ये कोकोनट शेल पे है एंड इट इज सो लाइट। या हर्षिता का जैसा चॉइस है उस काइंड, वो काइंड ऑफ बहुत लाइट भी है और मिनिमलिस्टिक उसमें आता है। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, वो जो शेल वाला है ना, वो शेल ये वाला, दिस इज ऑन अ शेल, डैम नाइस। तो मैं अभी बैठी थी यहाँ पे तो मास्क लगा के, तो मुझे लगा अरे शिट, अभी मास्क लगा के मैं कैसे देखूंगी कैसा लग रहा है, फिर मास्क हटाया तो बोल लगा ओ पिंपल भी आया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इट्स ओके। ये तो इट्स नॉट वेरी माई टेस्ट बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, मेरी मॉम के लिए मैं देख सकती हूँ। की कुछ मेमोरीज अगर रिकॉल करें, अभी क्या हुआ ना, जब से ये रिलीज हुआ है मिर्ज़ापुर, तो लोग ना वो साडा हक की भी पुरानी क्लिप्स डालने लग गए हैं, तो देखिए कितना अच्छा लगता है कि अभी तक भी मतलब उस शो के जो फैंस हैं वो इतना प्यार करते हैं उस शो को कि मतलब इट इज़ सो ओवरवेलमिंग। मैं जितनी बार देखती हूँ कोई वीडियो ना, अभी भी वो उन्होंने पता नहीं 5 साल पुरानी कोई फर्स्ट वीडियो ऐसे और उन्होंने डाल रखी है, तो और मैं मुझे लगता है कि वाह यार दिस लव इज़ वेरी, तो वो यही जो इतना, इनफैक्ट मैं मिर्ज़ापुर के जब सेट पे गई थी तो वो लोगों ने मुझसे, मेरे बताए बिना वो लोगों ने मुझसे आगे पूछा कि ये पर्श कौन है, ये संधीर फैंस कौन है, तो मुझे लगा ओ तो मतलब ये यहाँ तक पहुँच इन लोगों तक भी पहुँच गया है, जबकि मैंने बताया नहीं था, तो आई थिंक वो फैंस का ही प्यार है जो अभी तक के शो को मिल रहा है। शीता के क्रश की बात की जाए, जब क्रश की बात निकली है तो अगर ऐसा कुछ क्रश, मेरा क्रश या मेरे पे किसी का क्रश, दोनों, मेरे पे किसी का क्रश तो मुझे पता ही नहीं है अभी तक, मुझे तो मैं तो आई एम सिंगल वेरी मच रेडी टू मिंगल, लेकिन अभी कोई मिलना चाहिए टाइप, पर मेरा क्रश भी अभी ऐसा, अभी तो सिर्फ एक्टर्स पे ही क्रश, जो वाले क्रश नहीं होते कि अरे उनको कहीं देखा और वो क्रश है, वैसा चल रहा है। शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं, क्या धनतेरस के लिए, क्या दिवाली के लिए, क्या क्या कुछ डिसाइड किया है? ओ वाओ सो प्रिटी, ये तो मेरी बहन को बहुत अच्छा लगेगा, वो वैसे ही बड़ी डेलिकेट डार्लिंग सी है और ये काफ़ी उसके जैसा है। तो हर्षिता, मिर्ज़ापुर 1 2 दोनों, मतलब फर्स्ट के बाद तो सेकंड का इतना वेट किया है लोगों ने, और पर उस हिसाब से लोग इतने डिसअपॉइंट नहीं हुए, मतलब मेरे लिए अभी मिर्ज़ापुर हैज़ बिकम फैमिली, तो आई थिंक मिर्ज़ापुर नॉट ओनली द शो डिड वेरी वेल बट ऑफकोर्स जो जितने लोगों के साथ अभी, जैसे श्वेता या मेरे डायरेक्टर राइटर अली, तो इन लोगों के साथ इतना ऐसा फैमिली टाइप बॉन्ड बन गया है कि या दे आर जस्ट होम। मैं कभी किसी कोई भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ, कहीं पर भी हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो, एक कॉल करना है, हम लोग पूरा लॉकडाउन, हम 5 लोग, मैं, मेरा डायरेक्टर, राइटर, माय डीओपी एंड श्वेता एंड वन मोर एक्टर जो शरद बनते हैं, हम लोग जूम कॉल्स पे, हमने हर सैटरडे पार्टी की है, हर सैटरडे कॉल, 5 महीने एवरी सैटरडे जूम कॉल सैटरडे पार्टी, तो
तो या मतलब मेमोरीज कोई ऐसा किस्सा, हम लोग बैठ के मिल के सब लोग मस्ती करते थे, बट ऑल्सो बिकॉज स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में मेरा नी इंजरी थी तो मैं एक्चुअली थोड़ा लंगड़ा के चलते, वैसे तो गुड्डू भैया शो में लंगड़ा के चलते, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता था तो मैं लंगड़ा के चलती थी, वो नॉर्मल चलते थे. तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे ही स्टार्ट कॉलिंग मी लिम्पी इंस्टेड ऑफ डिम्पी, तो ऐसी चीज़ें वो काफ़ी करते थे. मतलब कहेंगे कौन सा फेवरेट सीन या कहे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा हो, खुद को भी परफॉर्म करने मिला हो? तो वो एक बाइक वाला जिसमें मैं और रॉबिन, हाँ वो बड़ा मुझे देखते हुए बड़ा क्यूट लगता है. और एक मेरे दिल के करीब वो वाला सीन भी है जब वो मैं रद्दी वाले के पीछे भागती हूँ उसको मारने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत इंजर्ड थी एक्चुअली, फिजिकली इंजर्ड थी, और उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. 6:30 का कॉल टाइम था, 11:30 बजे पहुँची थी मैं सेट पे. लेकिन पूरी वही मैंने बोला ना कि मिर्ज़ापुर वायर इट हैज़ बिकम माई फैमिली, क्योंकि हर मेम्बर मतलब वो प्रोडक्शन में रूपाली हैं, जो मेरे रूम में 2 घंटे सिर्फ बैठी हुई थी और मैं सो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी. फिर मैं जब सेट पे पहुंची तो वहाँ पे बिटवीन द शॉट्स यू नो आई वाज पासिंग आउट, मैं मतलब अनकॉन्शियस हो रही थी, तो मेरे डायरेक्टर गुरमीत सिंह वो आके मैं से मेरे सर दबा रहे थे, मेरे DOP ने अरेंज किया कि भाई जल्दी से इलेक्ट्रॉल आए, तो वो पूरा ऐसा फैमिली टाइप माहौल था. तो वो सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज ऑफ फिजिकल इंजरी, और वैसे भी धूप और वो किलिंग विलिंग मेंटली भी बड़ा डिफिकल्ट था, पर वो निकल गया. और मुझे लगता है कि वो पूरी मेरी टीम जो है मिर्ज़ापुर की फैमिली जिसको मैं बोलती हूँ वो साथ थे, इसलिए वो सीन हो पाया. प्लान्स है दिवाली पर सब कुछ मिलने वाला, कुछ जूम कॉल पार्टी ही से? कॉल तो डेफिनेटली होगी, जूम कॉल 100% होगी, बट मिलना तो अभी मिल तो कोई भी नहीं रहा है, सब लोग अपने अपने. हम लोग गोवा में एक्चुअली हम लोगों ने सब टेस्ट वेस्ट करा के गए थे, वहाँ जाके हमने सिर्फ अपना ये 23rd क्लू रिलीज हुआ वो साथ में देखा था, बट अभी दिवाली सब अपने अपने घर पे हैं. तो फाइनली ले लिया सब? ले लिया, अभी सब नहीं लिया. okay. अभी तो मम्मी जब आएंगी साथ में तो और लिया जाएगा. तो फिलहाल तो दिवाली थैंक यू जाएंगे. अच्छी स्टार्ट, बहुत अच्छी सोने के साथ, ये भी बहुत अच्छा, और वो लेमन टी भी बहुत अच्छी थी. थैंक यू, वो भी बहुत अच्छी थी. एंड मुझे एक्चुअली अभी खुला है ना, 1 साल पहले, इसलिए तो दैट्स व्हाई आई आल्सो डोंट नो, बट आई एम डेफिनेटली कमिंग हियर अगेन. पर ये शॉपिंग करके कितना अच्छा लगता है ना. तो दिवाली ऐसे ही हंसते हुए जूम कॉल पार्टीज करते हुए, हाँ दोस्तों के साथ जूम कॉल, और घर मैं जा रही हूँ दिल्ली, तो भी तो वहाँ जाके टेस्ट कराना पड़ेगा फिर से, और बस इसलिए मैं दिवाली से कुछ दिन पहले जाऊँगी ताकि यू नो बाय द टाइम दिवाली हो तो सब हो ठीक. तो क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस, अपने विशेष दिवाली विशेष हो जाए? हैप्पी दिवाली, बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, और ज़्यादा घुलिए मिले नहीं, ये अभी गले लगाने वाला वक्त नहीं है, बट फिर भी मिठाई तो खा ही सकते हैं, खुश तो हो ही सकते हैं, तो वो सब कीजिए. और आपको आई होप ये दिवाली वैसे ही बड़ा सेटिस्फैक्शन और बहुत अच्छा फ्यूचर लेकर आए. आई नो ये साल ख़राब रहा है बट अगला साल बहुत अच्छा होगा. ये हमारी तरफ से आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली. ये कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ प्रमावची मुंबई आज तक. थैंक यू आई, अपनी धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग कीजिए और लेमन टी ज़रूर पीजिए.